हेलो गाइस, तो भाई साहब आज हम लोग खेलने वाले हैं क्यूब एस्केप पैराडॉक्स। भाई इस गेम के बारे में मैंने ये सुना है कि बहुत ज्यादा ही हार्ड डिटेक्टिव टाइप गेम है, बट ये जितनी ज्यादा हार्ड है भी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। एंड गाइस मैं तुम्हें इस गेम का बेसिक आइडिया दे देता हूँ जो मैंने प्ले स्टोर से रीड करा है। तो भाई साहब इसमें होता कुछ ऐसा है, अपन एक बहुत बढ़िया वाले डिटेक्टिव होते हैं, एकदम शानदार फर्स्ट क्लास डिटेक्टिव है। ये मान लो कि अपन अर्थ के टॉप लेवल के डिटेक्टिव होते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से अपनी सारी की सारी यादा चली जाती है, अपन को रद्दी भर भी कुछ याद नहीं रहता। एंड यार उसके आगे तो मेरे को भी नहीं पता, उसके आगे अपन लोग साथ ही देखने वाले। गेम को स्टार्ट करते हैं। मैंने यार अभी तक इस गेम को 1% भी स्टार्ट नहीं करा है। गाइस तुम लोग देख सकते हो सामने लिखा हुआ आ रहा है क्यूब एस्केप पैराडॉक्स। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड बीच में मूवी। अच्छा गाइस मैं समझ चुका हूँ। देखो मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो गेम है ये एक मूवी से इंस्पायर्ड हुआ है, कोई रस्टी लेक नाम की हॉलीवुड मूवी है, ये शायद वहां का लिंक अपन को दे रहा है। अपन चैप्टर 1 पे चलते हैं। एंड भाई साहब अभी मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके इसके जो ग्राफिक्स हैं उनको हाई पे कर दिया है, तो तुम लोगों को बढ़िया ग्राफिक्स दिखने वाले हैं। एंड चैप्टर 1 पे चलते हैं। चलो गाइस हमने चैप्टर 1 वेयर एम आई। हाँ गाइस तुम्हें तुम्हें बताया था ना कि यादाश्त चली गई, हैव आई बीन हियर। गाइस अपनी यादाश्त फुल जा चुकी है। इज शी देयर, शायद अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा हो। टू एरोस टू मूव अराउंड। एंड गाइस यार अभी मुझे थोड़े बहुत कंट्रोल्स पता चल चुके हैं, अगर किसी अपन को किसी भी चीज को देखना तो अपन को बस क्लिक करना है एंड बस वो आ जाएगा। एंड इधर देखता हूँ एक बार क्या है। ओह ये तो लॉक, अबे यहाँ तो पिन है कुछ। एंड गाइस ये ऊपर वाला शेल, आई थिंक गाइस मुझे लगा ही था ये भी लॉक है, कि जब सब कुछ लॉक है तो मैं ढूंढूंगा किस चीज। एंड भाई इधर एक टीवी भी रख रखा है, टीवी को इसके कंट्रोल्स घुमा के देखते हैं कोई चैनल वैनल चेंज हो जाए तो। भाई कितना खराब भाई ये गाइस ये बाबा आदम के जमाने का टीवी रख रखा है, एक नंबर का रद्दी टीवी है, कुछ भी घुमा पर लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। एंड यार इधर ऊपर की तरफ को 12 सिंगा की खोपड़ी लटका रखी है। एंड यार इधर एक ग्लोब भी रखा हुआ है, आई थिंक इसको घुमाने से शायद कुछ। ये क्या हो रहा है भाई? गाइस इस ग्लोब की तो अस्थि पंजर ही ढीले हैं, ये देखो कैसे घूम रहा है इसकी चक्री। भिंचकी टांगा नीचे प्लग, अभी ये प्लग, अच्छा गाइस मैं सोच रही हूँ टीवी क्यों नहीं चल रहा है प्लग, ये एक अब अच्छा ये दूसरा प्लग टूटा हुआ है क्या? भाई मैं तुम लोग को कसम से बता रहा हूँ तुमको किसी कबाड़ खाने में लाके पटक दिया है भाई, टीवी नहीं चल रहा प्लग टूटा हुआ है। लेकिन गाइस मैं थोड़ी बहुत तो समझ चुका हूँ कि अपन को इस प्लग को जैसे तैसे करके जोड़ना है, शायद अपन को टीवी में कोई राज मिल जाए। एंड भाई लोग मैं सस्ता सी आईडी हूँ इसलिए मैं पॉट्स को भी चेक करूँ। भाई लोग मैं इस एक रूम में रह के परेशान हो चुका हूँ तो मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। एंड यहाँ कुछ बढ़िया, ओ भाई ये अपनी फोटो है क्या? मेरा मतलब है कि यहाँ पे कांच लग रखा है। एंड भाई अपन को कितना बूढ़ा बना है, इसको बूढ़ा होकर भाई बुढ़ापे में इसको डिटेक्टिव ने स्टडी। हाँ भाई साहब अगर मैं कांच पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है आई एम ए बिट कोल्ड। एंड यार यहाँ पे कुछ अलमीरा वेलमीरा पड़ी है लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रही भाई, फिर इनका हेल्प ही क्या है जब इच्छा खुली नहीं रही। एंड ओ ऊपर भी जा सकते हैं, ओ गाइस ऊपर कुछ दो तीन चीजें सी रख रखी है। ओ भाई वहाँ कोई चीज इस पे क्लिक करा तो इसको जूम भी, अबे ये क्या, ये तो सेटिंग करने का है यार। अच्छा मैं समझ गया गाइस, इसमें जो आइकन्स अपन को उनको मैच करना है। एक काम करता हूँ जल्दी से मैच कर दे। तो गाइस बस लास्ट के दो आइकन्स बचे हैं मैच करने। ओ हो गया वॉट, अभी क्या मजाक के लिए था क्या भाई, अबे मैंने मैच कर दिया तो अब क्या। एंड गाइस फाइनली पता ही नहीं किस चीज़ का पासवर्ड था, ओबे इधर की थी भाई, उस पासवर्ड वाले ने बेइज्जती करी लेकिन दूसरी जगह से अपन को की मिल गई। एंड गाइस जिससे शायद वो पिछले रूम वाले लॉक खुल सकते हैं। एंड भाई साहब यार अपन ने पहला लॉक तो खोल। भैंस की टांग ये क्या है, अबे ये जो की है ये लॉक की नहीं है, भैंस की टांग मेरे कहाँ लगे। एंड भाई ये लाल पर्दे के पीछे क्या है, ओबे अबे इसके ऊपर एक पीछे पैरट रखा हुआ है, अबे भाई क्या पता पैरट अपन को कुछ बता दे। एंड भाई जैसा कि तुम लोगों ने सुना ये पैरट तो बस प्रैक प्रैक पोपा रहा है और कुछ नहीं बता। देख मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप बता दे नहीं तो साले के अंदर चाबी घुसेड़ दूंगा। भाई ये रूम तो सच्ची में रद, अबे अच्छा इस पे क्लिक करके खुलेगा, अबे यार मैं देखा सॉल्व करके क्या है लेकिन क्लिक करके खुलता। एंड यार अपन को यहाँ पे कुछ फोटो पीस नाम की चीज मिल गई है, आई डोंट थिंक इसका अपन को समझ नहीं आ रहा है इसका यूज। एंड यार मैं तीसरे रूम में आ चुका हूँ। एंड अबे गाइस तुम लोग देखो काउच के ऊपर कैसी अजीब सी फोटो लग रहा है, मैं भी बेवकूफ हूँ यार इन शेल्स को। अरे यार अभी हाँ मेरे पास चाबी है ना उससे इनका लॉक। अरे नहीं यार वहाँ शेल्फ के ऊपर, अभी हाँ अभी ये क्या चीज, यहाँ ये फोटो लग रखी है यार, अभी मेरे पास फोटो पीस है क्या, शायद इनसे फोटो बन जाए कुछ ऐसा। अभी हाँ ऐसी फोटो बन सकती है शायद, ये राइट हैंड साइड बॉटम में आ सकता है शायद। अभी हाँ 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 ये यही आएगा। एंड यार ये दूसरी वाली फोटो कहाँ पे आएगी फिर दूसरी, अभी हाँ अभी अपन को चेहरा दिख गया भाई, ये टॉप राइट साइड में आएगा। हाँ भाई समझ गया,
तो मतलब अपन को और फोटो कलेक्ट करनी है एंड शायद कुछ दिख जाए, या सिगार रखी हुई है। तो भाई मैंने सिगार कलेक्ट कर लिया एंड गाइस फाइनली अब मैं नेक्स्ट रूम में, यहाँ भाई यहाँ इसमें भी लॉक होगा एंड अभी ये चाबी, अभी चाबी से खुल गया भाई। इसके अंदर वुडन क्यूब, फिर उधर इसके ऊपर वाले शेल्फ, एक बार अभी पेंसिल भाई, फोटो पीस, एक और मिल गया कैंची, वो भाई कितना सारा सामान मिल गया है। एंड भाई अब मैं काम करता हूँ, मेरे को जो फोटो पीस मिला इसको भी मैं फिट बिठा देता हूँ। एंड अभी मैं समझ गया भाई, ये अपन वो राइट हैंड साइड वाले अपन, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली अपनी वाइफ है शायद। एंड भाई अब लिटरली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस इस रूम से उस रूम पे घूमे जा रहा हूँ, इतना सारा सामान क्यों मिला है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं हर चीज़ को हमें ट्राई करके देख रहा था एंड इसमें मेरे को जो वुडन क्यूब टाइप मिला था वो इस चीज में चला। एंड भाई जैसे ही कांच के सामने जाओ, इस पे क्लिक करके बोलता है आई एम, अभी मेरे पास जैकेट है तो शायद ये बोल रहा है आई एम ए बिट कोल्ड। अभी इसको शायद अपनी वाइफ की याददाश्त आई कुछ, हाँ भाई जैकेट पहना तो इसको वाइफ की याददाश्त भाई, लेकिन उसकी याददाश्त याद आने से हुआ कुछ ही तो नहीं हुआ भाई। अब ये क्या, आई शुड चेक द, अब इसने चेंज करा, अब ये बोल रहा है आई शुड चेक द लाइट्स। एंड भाई मैंने इधर लाइट का एक देखा, हाँ ये रहा लाइट का एक कमर ऑन, हाँ अब लाइट्स को ऑन करने से क्या हुआ। अभी यहाँ कुछ भाई मेरे को फोटो पीस गिरा मिली, तो अब यहाँ पे बिठा देता हूँ। एंड यार अभी भी लेकिन एक फोटो कम है भाई, वो कांच मेरे को बढ़िया लगा है, उस पर इंट मिल रहा है, उसी पे जाके कुछ और पकड़ के देखता हूँ, क्या पता और कुछ याद आ जाए इसको। पेंसिल सिगार, अभी ये इसने सिगार दूसरे हाथ में पकड़, अभी ये क्या हो गया, अभी कुछ बोल रहा है क्या भाई, बार क्लिक करके भाई ये तो अभी भी एक ही चीज रिपीट कर रहा है आई शुड चेक द लाइट। तो गाइस मैं फिर से लाइट को थोड़ा सा ओपन, अभी मैं लाइट को ओपन से करके एंड तुम लोग ऊपर, ये भाई एक फोटो पीस भाई, ये तो सच में हिंट मिल रहा है यार कांच के सामने से। एंड गाइस फाइनली अपनी लास्ट फोटो लगाते ये फोटो की फोटो फ्रेम पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड दैट्स ये, अभी ऊपर टाइपराइटर का साइन बना, का साइन बना हुआ है, नीचे द वुमेन लिख रखा है। हाँ गाइस यार मैंने इधर ही कहीं एक टाइपराइटर भी देखा था, वो शायद अगले, हाँ भाई ये रहा टाइपराइटर। हाँ गाइस शायद अपन को यहाँ पे द वुमेन प्रिंट करना होगा एंड भाई उसके बाद वुमेन नहीं वुमेन वुमेन भाई, द मैंने द वुमेन प्रिंट कर दिया। एंड वेट ये क्या है,